हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल स्पाइसी लाइम। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी ऑनियन के पकोड़े। तो आगे बनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम स्लाइस कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है मैंने, और साथ ही ऐड कर देंगे धनिया बारीक कटे हुए। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी हींग एक चुटकी, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो हरी मिर्च और अदरक काट के या पीस के भी डाल सकते हो। यहाँ मैंने इसका पेस्ट यूज़ किया है। ये देखिए, ये अच्छे से सारे मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बेसन। यहाँ मैं 3 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे अजवाइन। इसके अंदर हम 1 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्रेडिएंट, तो इसे स्किप ना करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे हम मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ मैंने 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी, थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है हमें। यहाँ मैंने 2-3 चम्मच जितना ही पानी ऐड किया है, और इसे मैंने मिक्स कर लिया। हमें इस तरह से मिक्सचर बनाना है। तो ये हमारा पकोड़े का मिक्सचर अब रेडी है। ये देखिए, अब लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और इसे हम मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। तो इसे हम साइड पर रख लेंगे, और एक कढ़ाई के अंदर हम इसे तलने के लिए तेल ऐड कर देंगे। तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए, तब इसके अंदर हम हाथों की मदद से पकोड़े तलने के लिए डाल देंगे। देखिए इस तरह। केयरफुली हम पकोड़े बना लेंगे, और इसे हम इस तरह से टर्न करके सारे तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए, तो ये हमारे क्रिस्पी ऑनियन पकोड़े अब रेडी है। उसी तरह हम बाकी के भी तल लेंगे। ये देखें, इसे भी हम निकालेंगे। तो हमारे
हमारे ये क्रिस्पी ऑनियन पकौड़े रेडी है। आप इसे चाहे तो चाय के साथ, केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।